अरे तेरा तो अपना खुद का घर है ना, फिर ये बिल्डर की वेबसाइट पे क्या सर्च कर रहा है? मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और वो भी धोलेरा सर में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी में क्यों? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। नहीं यार, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं, और मार्केट में दूसरे जो ऑप्शंस है उसमें अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी इन फ्यूचर हमेशा प्लस में ही रहेगी। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे ईएमआई नहीं मिलेगी, जबकि जेएमपीसी बिल्ट लाइन प्राइवेट लिमिटेड मुझे आसान ईएमआई पर धोलेरा में प्लॉट्स, शॉप, फ्लैट, बंगलोज और कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफर कर रही है। धोलेरा में क्यों? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी कर सकता है। नहीं, सिर्फ धोलेरा। पता है क्यों? क्योंकि धोलेरा इंडिया की सबसे पहली स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, पोर्ट बन रहा है। इतना ही नहीं, मेट्रो रेलवेज भी आ रही है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब के साथ डिफेंस पार्क भी बनने जा रहा है। तेरी बात तो सही है, लेकिन प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का तेरा क्या पर्पस है? देख यार, मेरी 3 साल की बच्ची है, ये इन्वेस्टमेंट मैं उसी के लिए करना चाहता हूँ, ताकि जब वो पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए, जब उसका शादी करने का टाइम आ जाए, उस वक्त मैं ये प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी कर पाऊं। बिकॉज हमेशा याद रखना, लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट्स, इट नेवर डेप्रिशिएट्स। दोस्त, तेरी फ्यूचर प्लानिंग तो एकदम परफेक्ट है। मेरे लिए भी एक धोलेरा में एक अच्छी सी प्रॉपर्टी ढूंढना, मैं भी अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी में। ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात एकदम अच्छे से समझ गया हूँ, लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट्स एंड नेवर डेप्रिशिएट्स। JMPC बिल्ट लाइन, आओ बनाए एक प्यारा जहां।